अकाउंटिंग में दो लोग होते हैं, एक होता है हायर परचेसर, दूसरा होता है वेंडर। ठीक है, तो परचेसर यानी कौन? कंज्यूमर जो खरीदता है, और वेंडर मतलब कौन? सेलर जो बेचेगा। सेलर। ठीक हाँ है, ये दोनों याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा लिख के आता है, मेक द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर, है ना, फिर मेक द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। तो वेंडर का मतलब सेलर, इतना याद रखो आप। ठीक है, नाउ तो जब कोई चीज खरीदी जाती है, ठीक है, हायर परचेसर के कंसेप्ट के हिसाब से खरीदी जाएगी, और हायर सेलर के हिसाब से जो है वो बेची जाएगी। ओके, तो एंट्री क्या होगी? पहले परचेसर के बुक में देखते, बाद में सेलर के बुक में देखेंगे। तो जब खरीदेगा तब वो एंट्री क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा एक तरीके से। ठीक है, ऐसा बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब खरीदेगा ना तब वो डाउन पेमेंट पेएबल हो जाएगा। सबसे पहली जो एंट्री यहाँ पे बोला है कि जब वो परचेस की एंट्री करता है, तो वो परचेस के सबसे पहला हम लोग हायर परचेस पढ़ रहे हैं। अभी हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम दो अलग अलग चीजें हैं। हायर परचेस में क्या होता है, एक तरीके से वो असेट्स को किराए पे ले रहा है। क्लियर, इतना याद रखना। हायर परचेस का मतलब एक तरीके से वो असेट्स को क्या कर रहा है, किराए पे ले रहा है। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ दैट हायर परचेस एग्रीमेंट, वो उसके पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, कुछ पेमेंट देके या फिर वो मशीन का पूरा प्राइस देके वो मशीन अपने नाम से करवा सकता है। तो याद रखना, जब तक वो लास्ट मशीन पेड नहीं करता तब तक उसके नाम से वो मशीन नहीं होती है। क्लियर, हायर परचेस में। और इंस्टॉलमेंट में कैसा, जैसा वो खरीद लेता है वैसा उसके नाम से वो मशीन हो जाती है। क्लियर, ये डिफरेंस है हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट का मेनली। तो हायर परचेसर में क्या होता है, जितना जितना पैसा देगा उतने नाम से उसकी मशीन होगी। तो इसलिए वो परचेस के लिए अमाउंट का एंट्री नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर वेंडर के बारे में बात करेंगे तो वेंडर के बुक में वो जो एंट्री करेगा वो पूरे सेल्स की एंट्री करेगा, क्योंकि मशीन जो जाएंगी वो तो पूरी जाएंगी ना, आधी आधी थोड़ी जाएंगी। अभी अगर मान लीजिए किसी कोई टू व्हीलर सेलर है, वो टू व्हीलर सेलर जो है उसके उसके पास से उसने टू व्हीलर सेल किया, तो ऐसा है क्या कि वो थोड़ा पैसा देगा तो पहला चक्का लेके देगा, पहला चक्का लेके जाएगा, फिर और पैसा देगा, फिर दूसरा चक्का लेके जाएगा, ऐसा करेगा क्या? तो वो तो पूरी की पूरी टू व्हीलर ही लेके जाएगा ना। इसलिए जो वेंडर है वो पूरे के पूरे अमाउंट की एंट्री मारता है। दिस एंट्री इज पास फॉर द टोटल कैश प्राइस। ये याद रखना, ये एंट्री टोटल कैश की नहीं मारेगा, लेकिन ये तो पूरे सेल की एंट्री मारेगा। ठीक है, ओके। अभी उसके बाद फॉर द पेमेंट ऑन एग्रीमेंट, मतलब डाउन पेमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डाउन पेमेंट के बारे में सबसे पहले वो क्या करेगा, असेट्स ड्यू करता है। ठीक है, टू वेंडर अकाउंट मतलब असेट्स, पहले वो अगर डाउन पेमेंट दे रहा है, मान के चलते 50,000 रुपए है, 50,000 में से वो 10,000 रुपए डाउन पेमेंट दे रहा है, तो पहले क्या करेगा, 10,000 के लिए असेट्स डेबिट करेगा, और बाद में वेंडर को क्या करके रखेगा, क्रेडिट की उसको 10,000 रुपए देने हैं। इसके बाद क्या एंट्री है, फिर वेंडर को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा। तो देखो, वेंडर क्रेडिट हुआ और वेंडर डेबिट हुआ, और वेंडर अकाउंट ऐसे क्लोज होकर क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट डाउन पेमेंट। तो देखो, इन दो एंट्रीज को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, असेट्स डेबिट हुआ और वेंडर क्रेडिट हुआ, दूसरे इसमें वेंडर डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ, है ना। तो देखो, वेंडर क्रेडिट और वेंडर डेबिट ये कट जाएगा। हाँ, असेट्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये इसका कैश अकाउंट। बहुत सारी जगहों पे आप ये वाला एंट्री देखते हो, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग डाउन पेमेंट मेड, समझे। तो बात इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, अभी इंस्टॉलमेंट ड्यू कब होगा डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। इंस्टॉलमेंट मंथली ड्यू हो सकती है, क्वार्टरली ड्यू हो सकती है, हाफ ईयरली ड्यू हो सकती है, या फिर ईयरली भी ड्यू हो सकती है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तब असेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर जितना बचा हुआ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये वाला तो फॉर इंटरेस्ट ड्यू का यहाँ पे तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इंटरेस्ट ड्यू कर चुके हैं। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही क्या है, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला ही है कि इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मतलब कैश प्राइस का कुछ अमाउंट, और प्लस उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर जितना अनपेड कैश प्राइस है उसके ऊपर लगा हुआ इंटरेस्ट, ये मिलके क्या बनता है, इंस्टॉलमेंट बनता है। तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस का कुछ अमाउंट मिलके वेंडर को ड्यू होगा, और बाद में इसका हम लोग पेमेंट करेंगे, वेंडर डेबिट कैश क्रेडिट।
ये उसके बाद क्या है फॉर डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स. अभी फॉर डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स अभी क्या है कि इसके पास असेट्स पूरी नहीं आई. किसके पास? हायर परचेस के पास पूरी असेट्स नहीं आई, फिर भी वो जो डेप्रिसिएशन है ना वो असेट्स के ऊपर लगाएगा. बराबर उसी तरीके से टोटल कैश प्राइस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएगा, उसका हायर परचेस प्राइस के ऊपर में डेप्रिसिएशन नहीं लगाता है. ओके और कौन लगाएगा? ये हायर परचेसर. याद रखना वेंडर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा क्योंकि असेट्स इसकी नहीं है, असेट्स इसके पास है. जब वो पूरे पैसे दे देगा तो असेट्स इसके पास आ जाएगी. समझे? क्लियर? ये डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? परचेसर लगाएगा. इतना हो गया. उसके बाद में एट द ईयर एंड, ये जो एंड की होती है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे लिए क्या एक्सपेंस है. तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे. ठीक है. और वैसा ही डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया एट द ईयर एंड, वो डेप्रिसिएशन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे. ठीक है. और बाद में हो गया ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया, देन एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो ईयर एंड है वो जब बनेगा तब बनेगा. तो वो तो हमको बनाना नहीं है इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना. उसके बाद है डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में हमको क्या दिखाना है? जो असेट्स है आपकी. ठीक है. अब ये असेट्स है कौन सी? ये जो आपने कैश प्राइस दिया ना, आपने कैश प्राइस जैसे ये डाउन पेमेंट दिया होगा, ये इंस्टॉलमेंट दिया होगा, जितना भी है ये पूरा कैश प्राइस. ठीक है. लेस उसमें से लगा हुआ डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर लगा हुआ डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो उसमें से हम लोग माइनस करेंगे. जो अमाउंट रहेगा वो कहाँ दिखाएंगे? बाहर दिखाएंगे. ना अभी क्या बोलते हैं? रिपीट एंट्री नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इन सब्सिक्वेंट ईयर आल्सो. तो ये जो चार इंस्टॉलमेंट, देन 5 तो अपने पास आएगी नहीं, 6 आएगी या फिर 4, 6, 7, 8, 9. ठीक है. यहाँ तक जो एंट्रीज है ये पूरी की पूरी क्या होगी? हर साल रिपीट होंगी या फिर हर बार रिपीट होंगी, ऐसा बोलेंगे अपन. तो ये हो गया इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर. तो वेंडर में पहला हमने बोला था कि एज पर कैश प्राइस वो क्या करता है? चार्ज करेगा, टोटल प्राइस के हिसाब से चार्ज करेगा. ओके. अभी फॉर अमाउंट पेबल ऑन एग्रीमेंट, तो ये जो एंट्री है नो एंट्री क्यों होगी? क्योंकि ये जो हायर परचेस को उसने डेबिट किया है वो टोटल अमाउंट से किया है. तो इसमें वो कभी भी जो पैसा है वो ड्यू वाली एंट्री करेगा ही नहीं, वो सीधा सीधा पैसा मिलने वाले ही एंट्री किया है. ओके. अगर एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे 40,000 रुपए लेने हैं मेरे को. ठीक है ना. तो वो अगर हर बार ड्यू करेगा, तो अगर यहाँ पे फिर से 10,000 ड्यू कर दिए तो 40 के 50 हो जाएंगे, फिर से 10,000 मिलेंगे तो 40 पे आ जाएगा, फिर से ड्यू करेगा तो फिर से 40 पे 50 हो जाएंगे. तो वो हर बार उसी की जगह पे रुकेगा, 40 पे रुकेगा, जबकि रूल के हिसाब से उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? कम. इसलिए वो यहाँ पे एक ही बार हायर परचेसर को डेबिट करेगा पूरे 40,000 से, और फिर हर बार उसको 10,000 से माइनस करेगा. 10,000 आए, फिर 30,000 बचे, फिर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, फिर 10,000 और इंटरेस्ट मिलके आएंगे, फिर से वो माइनस होंगे, फिर 20,000 बचेंगे. ठीक है. ऊपर ये कोई भी डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री दो लोग नहीं कर सकते ना. कोई भी एक ही बंदा डेप्रिसिएशन की एंट्री करेगा, एक तो परचेसर करेगा, नहीं तो वेंडर. तो वेंडर तो डेफिनेटली करने वाला नहीं है, क्योंकि उसने तो सेल किया है ना. डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है? डेप्रिसिएशन असेट्स के ऊपर लगता है. स्टॉक के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन लगता है क्या? नहीं नहीं, स्टॉक के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता. स्टॉक का जो भी होता है वो मार्केट वैल्यूएशन होता है. ओके क्लियर. ये याद रहे, ये हमेशा रखना कि जो स्टॉक का रहेगा उसका मार्केट वैल्यूएशन होता है. उसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, तो उसके हिसाब से तो हमने पढ़ाई है ना कि क्या कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, ये वाला वर्ड हम लोग यूज करते हैं. क्लियर. इस वजह से जो वेंडर है, वेंडर इज द सेलर, और सेलर के लिए जो भी चीज रहेगी वो असेट्स नहीं है, वो क्या रहती है? गुड्स रहती है. और वो गुड्स रहती है इसलिए वो उसके ऊपर क्या करता है? डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता. देन उसके बाद में इंटरेस्ट जो रहेगा वो उसके लिए इनकम है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेगा. इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर रहा है यहाँ पे? क्रेडिट. और इंटरेस्ट को क्या कर रहा है? डेबिट. डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेगा ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा ही नहीं. अभी इसका बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? तो उसका बैलेंस शीट जो है उसमें वो असेट साइड में हायर परचेसर अकाउंट बनाएगा, ये पूरा अमाउंट जो ये लिखा है ना ये, और उसमें से क्या करेगा? कैश प्राइस माइनस करेगा. ठीक है. हायर परचेसर अकाउंट है, उसमें से जो भी कैश प्राइस मिली है वो माइनस करेगा, और जो अमाउंट है वो बाहर लिखेगा. क्लियर. ठीक है. हाँ सर.